good morning children uh, this is next lesson uh, that is uh, flying high in your ABS. Uh, open your book go to the lesson flying high open page number 52 this is first part open page number 52 okay page number 52 first so before we start the lesson let's talk about this you know we have different types of birds are found in the nature you right? know डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स में डिफरेंट साउंडस ऑल्सो अलग अलग तरह के साउंडस करते हैं वो कुछ अच्छा लगता है कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है कभी कभी ठीक है यू सी ऑल बर्ड्स है बीक है ना आपको चोच पता है बीक होता है विंग्स होते हैं फीदर्स है ना टेल ऑल्सो उनके टेल भी होते हैं डिफरेंट पार्ट्स है ना एंड द बर्ड्स दे ईट फूड द कैच द पे एंड उन्होंने वो मतलब आसमान में कैसे उठते हैं देखा आपने कितना मजा आता है उनको देख के हाई आसमान में उड़ते हैं है ना सो यू विल रीड यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन दिस लेसन ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ यू कैन सी दिस इज अ पजल ऑल्सो है ना लेट्स सी वॉट इज देयर नंबर वन यस लेट्स सी दैट यू विल रीड दू रीड फर्स्ट एंड देन राइट द आंसर है ओके सो रेट लेट्स रीड दैट ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट ओके जो सर पे होता है ना सर पे जो है फीदर जैसे होते हैं वो क्रिस्ट ऑल से आई डांस द बेस्ट है ना ऑफ माई फीदर्स आई एम प्राउड बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड ओके तो ये किसके बारे में बात हो रही है है ना जिसके सर पे जो है ना फीदर्स होते हैं ठीक है उनके जो बंच ऑफ फिदर्स होते हैं ना उसके सर पे ऐसा बर्ड बताओ जिसके सर पे बंच ऑफ फिदर्स होते हैं ठीक है और वो बहुत अच्छा डांस करती हैं एंड उसको बहुत प्राउड है अपने डांस पर सब लोग डांस पसंद करते हैं उनका ठीक है और जब रेन होता है तो उसके पहले ये चिल्लाते हैं ठीक है ठीके? जब रेन होने वाला होता है तो रेन के पहले तो आंसर तो आपके सामने है द आंसर इज यस द लवली पिकॉक है ना आंसर इज पिकॉक यू विल नोट डाउन दिस ओके यू कैन सी द पिकॉक ईयर एंड पिकॉक इज ऑल्सो आर नेशनल बर्ड ओके नेशनल बर्ड इज पिकॉक आपका पिकॉक स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए यू कैन सी द लवली पिकॉक्स ईयर कितना प्यारा लग रहा है ना पिक्चर ये सारा ओके यू कैन सी नेक्स्ट वन मोर लॉन्ग एंड ग्रुप्ड इज माई टेल है ना टेल मीन्स ये देखो पीछे जो होता है ना टेल ये पीछे वाला जो है ये टेल है ठीक है लॉन्ग है और ग्रुप्ड है ठीक है लंबा होता है ठीक है और नैरो होता है मतलब वो पतला होता है बिल्कुल ठीक है हाई अप इन द स्काई आई सेल ठीक है ये बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा उड़ते हैं ठीक है आसमान में बहुत ऊपर उड़ते हैं ये ठीक है एंड नेक्स्ट वॉट इज देयर आई पिक एंड ईट ऑल द माइस ठीक है ये इनको माइस जो है ना चूहिया चूहे बहुत पसंद है ठीक है ये चूहे देखते ही ना जोर से छपट्टा मार के उसको जो पकड़ के ले जाते हैं उड़ जाते हैं फिर खाते हैं मज़े से है ना so that इज दिस वन इज eagle the eagle is इज you यू कॉल मी है ना ये कौन है दिस इज hai है ना तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी ईगल के बारे में ईगल के बारे में आप पता होना चाहिए बहुत ये उड़ते हैं ठीक है ठीके? और इनकी नज़र जो होती है ना आई साइड जो होती है ना साइड बहुत स्ट्रांग होती है ये बहुत दूर से अपना जो है ना जो अपना वो भोजन होता है फूड वो देख लेते हैं और तुरंत जोर से छपट्टा मार के उड़ जाते हैं लेके आसमान में बहुत ऊपर उड़ते हैं ये ठीक है सो दिस इज़ ईगल यू कैन सी कितना खतरनाक लग रहा है ना देखो आइज देखो इनकी डर लग जाएगा देख के ये देख रहे हो ये बीक देख रहे हो इनकी ये ईगल है नेक्स्ट इज यस माय फेदर्स आर ग्रीन ये तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा ये जैसे ही ग्रीन बोलेंगे यू से यस दिस इज पैरट सो लेट्स रीड अबाउट दिस माई बिग्स रेड है ना जैसे हम बोलेंगे फिदर्स आर ग्रीन बिग्स आर रेड गावा एंड ग्रीन चिली आई एम फैट है ना गावा और ग्रीन चिली तो बहुत पसंद है इनको आपने देखा भी होगा ना ये तो कुछ लोग घर पर जो है ना ये पैट एंड पैट बर्ड्स की तरह होते हैं ये आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस है ना ये लोगों का जो है ना आदमी इंसान लोग का ना जो वॉइस जो है ना उसको रिपीट करते हैं सुन के उसको दोहराते हैं जो आप लोग इंजॉय भी करते हो ना इनके साथ एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस है ना ये खूब आवाज़ करते हैं ठीक है थीके? बहुत ही मतलब सबको प्यारा लगता है ना पैरट आप जू में भी जाते हो तो पैरट देखते हो उसके साथ मस्ती करते हो ना यस दिस इज पैरट यू विल नोट डाउन इन यूर बुक नोट बुक नेक्स्ट येस ब्लैक आर माई फेदर्स है ना यू कैन सी द फर्स देयर ब्लैक एंड ब्लैक इज माई बेक है ना इनका फीजर्स भी ब्लैक होता है इनका बिग चोंच भी है ब्लैक होता है राइट हियर बिग काऊ काऊ इसे बोलते हैं ना काऊ काउ काउ काऊ आई डू ऑल डे लॉन्ग है ना ये क्या करते हैं काऊ काँव कर जहाँ भी जाते हैं काऊ 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 काउ करते हैं तो आप लोग इनको पसंद ही करते हैं ना इनका साउंड को काऊ को सो so, कौन है ये यस दिस इज क्रो है ना ये कौन है क्रो वी विल नोट डाउन दिस ऑल्सो इन योर नोटबुक सबके ये सब हम बर्ड्स के बारे में भी इनकी, इनकी स्पेशलिटी पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं क्या ऐसे कैसे होता है ये नेक्स्ट कूहू कुहू है ना कुहू कूहू इज माय साउंड मैं तो अच्छे से नहीं निकाल पा रहा हूँ आप अच्छे से घर में निकालना ठीक है कू 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 पता नहीं कैसे होता है आप निकालना ठीक है एवरीवेयर आई एम फाउंड है ना ये हर जगह मिलते हैं ठीक है थीके? आपके स्कूल में भी देखो ना आप लोग जब देखते हो तो खूब इंजॉय करते हो है ना कु, आप बोलते हो कू कु, तो वो भी बोलते हैं रिप्लाई में है ना मेरी आवाज बहुत गंदी आ रही है ना ओके लेट्स लिव दाई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम सब लोग पसंद करते हैं बोलते हैं ना कोयल की तरह से कु कुकू की तरह से जो है ना आपको बोलना चाहिए मीठा बोलना चाहिए कौवे की तरह से काँव काँव नहीं बोलना चाहिए कुकू की तरह बोलना चाहिए है ना तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यस कुकू वट इज़ द नेम यस द नेम इज कुकू है ना कुकू इज़ माई नेम कोयल कितनी प्यारी आवाज़ होती है ना इनकी नेक्स्ट यस वन मोर सी दैट यस डेड एनिमल्स आई डू इट है ना डेड एनिमल्स खाते हैं ये इनको डेड एनिमल्स पसा पसंद होता है ये खाते हैं उसको मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट है ना अच्छी बात है फिर तो जो गंदा होता है डेड एनिमल डेड एनिमल्स होते हैं या फिर जो वो दूध खराब होते हैं अच्छा नहीं होते हैं हमारे सोसाइटी में हमारे हेल्थ के लिए है ना तो वो इसको ख़त्म कर देते हैं खा के है ना तो ये तो हेल्प करते हैं अच्छी बात है ये तो सो नेक्स्ट हाई अप इन द स्काई यहाँ क्या फील करेंगे स्काई आई फ्लाई है ना आसमान में ये ऊंचा उड़ते हैं ऊपर उड़ते हैं सो वल्चर इज वाट आई एम कॉल्ड बाय है ना हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई वल्चर इज वट आई एम कॉल्ड बाय तो ये हो okay, गया किसके बारे में ये कौन है वल्चर है ना आपने वल्चर का नाम सुना होगा अभी ये बहुत कम दिखते हैं ठीक है थीके? क्योंकि ये डेंजर है डेंजर जोन में है ये बहुत ज़्यादा ये इनका डेथ हो रहा है ठीक है ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं अभी तो ये हो गया वल्चर है ना यू कैन सी टू वल्चर हेयर तो ये तो हेल्प करते हैं हमारा इन्वायमेंट में है ना ये तो अच्छे हैं सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लाइंग हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन नेक्स्ट लेसन यू विल सी द अनदर पार्ट ओके थैंक यू टेक केयर